हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था, मैंने आपको 14.3 मैंने कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे मैप को आपको बनाना है और मैप पे कैसे कैसे आप डिफरेंट चीजें को रखेंगे, जैसे लैंड को कैसे दिखाएंगे, क्लासरूम कैसे दिखाएंगे, मेन ऑफिस कैसे दिखाएंगे, पार्किंग कैसे दिखाएंगे, ये सारे आइडियाज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है द वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, चैप्टर 14 का मैप स्टडी का वर्कशीट को कवर करेंगे, राइट? सो हियर इज दैट, लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इंडिया का मैप है बच्चों। ये क्या है? इंडिया का मैप है। तो इस मैप को हमें स्टडी करना है और इस मैप को स्टडी करने के बाद इन पे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गया, आप बुक्स खोलिए और बुक्स में आप अच्छे से इसको देखिए, आपको सारे इसमें इंडियाज के मैप दिख जाएगा, राइट? कौन से सिटीज कहाँ पे है, राइट? कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना? तो आप इनको फटाफट बुक खोलिए और बुक खोल करके बैठ जाइए और देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले ये आपने खोल लिया, इसको गो थ्रू कर लिए आप, ठीक है? अच्छा, चलिए मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको गो थ्रू करूंगा, आप इनको एक बार देख लो फिगर को, है ना? चलो, इफ, अब देखो कंडीशन में कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, सो 400 किलोमीटर, यानी मैप में कह रहे, ये जो मैप आप देख पा रहे हो बच्चों, इस मैप में कह रहे हैं अगर आपको मेजरमेंट करेंगे और 1 सेंटीमीटर होगा ना, तो वो 1 सेंटीमीटर जो है ना 400 किलोमीटर के बराबर है। पहला पॉइंट तो ये कहना चाह रहा है इस मैप को समझने के लिए, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ग्राउंड के लिए। मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो 400 किलोमीटर आपको लेना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन दैम, और ये एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट है ना। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? दिल्ली एंड जयपुर, ठीक है? दिल्ली एंड जयपुर ऑन द मैप, तो दिल्ली और जयपुर मैप में कितने सेंटीमीटर्स है वो देखना है, और ग्राउंड पे कितने किलोमीटर्स है वो आपको देखना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर, ये जो है बच्चों मैप का है। मैप में आप ये मेजरमेंट करेंगे और ग्राउंड पे, है ना, क्या होगा, ग्राउंड पे जो है आपको ये मेजरमेंट है। तो पहले हम मैप में कर लेते हैं, देन वी विल कन्वर्ट, फिर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली और जयपुर को मेजरमेंट करना। तो अब चलिए मैप को देखते हैं हम लोग, मैप पे देखते हैं दिल्ली और जयपुर कहाँ है। तो देखो, ये आपका दिल्ली रहा, ये हाईलाइटेड किया हुआ यहाँ पे पॉइंट्स, और ये रहा बच्चों जयपुर। तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस आप मेजरमेंट करें पहले, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो, मैंने स्केल लिया और ऐसे मेजरमेंट किया, देखो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या आ रहा है, देखो यहां से और यहां की मेजरमेंट, तो 0 जो है ना 8 आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पे, हम क्या लिखेंगे, 0.8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, तो हमें क्या करना है, एक 1 सेंटीमीटर में 400 किलोमीटर है, तो 0.8 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो क्या निकल जाएगा, 8 × 32, तो ये हो जाएगा 320, क्या हो जाएगा, 320 किलोमीटर हो जाएगा। देखो आप, 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट है तो बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, तो 8 × 32 है ना, और ये पॉइंट लगा दोगे, ये जीरो खत्म, तो 320, तो 320 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन में देखो, कह रहे हैं कोलकाता एंड मुंबई, तो कोलकाता और मुंबई के बीच का जो है ना, उसको आपको क्या करना है, ऑन द मैप, मैप पे पहले मेजरमेंट करिए और फिर ग्राउंड पे करिए। तो कोलकाता और मुंबई, तो ये देखो आपको यहाँ इस फिगर में कोलकाता दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, मुंबई आपको ढूंढना है ना। मुंबई देखो किस साइड है, कोलकाता हो गया, मुंबई, ये रहा बच्चों मुंबई, ठीक है? ये आपका मुंबई है। तो अब यहां से यहां की मेजरमेंट आपको मैप पे पहले करनी है। चलिए मैप से हम आपको स्केल से मेजरमेंट करके दिखाते हैं। देखो ये आ गया 1 और यहां आ देख रहे हैं, ये देखो कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना, कितना आ रहा है बच्चों, एग्जैक्टली 6 आ रहा है, दैट्स गुड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर आ गया।
तो 6 सेंटीमीटर तो मैप पे हुआ और 1 सेंटीमीटर जो है वो 400 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड पे। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, 24 2400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में देखो क्या कह रहा है, जयपुर एंड भोपाल, जयपुर और भोपाल देखना है। तो देखो भोपाल तो यहां मुझे मिल गया, ठीक है। अब जयपुर देखो, जयपुर कहां पे है, ये रहा बच्चों जयपुर। तो भोपाल और जयपुर का डिस्टेंस को मेजरमेंट करो, पहले आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं मैप पे, फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राउंड में। तो ये देखो कितना हो रहा है, राइट, इसको देखो ध्यान से 1.5 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है, एग्जैक्टली 1.5 हो रहा है। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा मैप पे, तो ग्राउंड पे कितना होगा, तो 400 से इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो बात आपने समझा, ग्राउंड पे कैसे मेजरमेंट करना है और मैप पे कैसे मेजरमेंट करना है, तो ये कन्वर्ट का आपको फॉर्मूलेज दे रखे हैं, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चंस नंबर बी में देखते हैं कि बी में हमसे क्या पूछ रहा है। कह लुक एट द मैप, आप मैप को देखो और आंसर्स दो इस क्वेश्चंस का, ठीक है। सो विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, देखो लार्जेस्ट एरिया अगर आप देखते हैं बच्चों इस मैप में, तो आप खुद देख करके बताओ। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एरिया दिख रहा है ना, वो मुझे जयपुर यानी राजस्थान का दिख रहा है। देखो राजस्थान का ये एरिया है, ये इनका देखो कितना ज्यादा एरिया है, एरिया वाइज जो है ना राजस्थान सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे राजस्थान लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, आर ए जे है ना, ए एस टी एच ए एन, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा एरिया आप देखो इस मैप में, सबसे जो छोटा है आपने पढ़ा भी होगा SST में गोवा होता है। देखो गोवा का कितना छोटा सा एरिया है ना, ये रहा आपको मैप पे गोवा दिख रहा है, बहुत छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, गोवा है ना। अच्छा क्लियर हुआ ये। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो कह रहा है, दिल्ली इज द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर, सो ट्रेवल फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली यू हैव ट्रेवल टू द डायरेक्शन, तो क्या होगा, नॉर्थ में ही है तो द नॉर्थ ही हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे दिल्ली से जम्मू कश्मीर से तो नॉर्थ ही तो हो गया है ना। तो ये आपको पता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ये आपकी मेन डायरेक्शंस होगी। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये क्या होता है, वेस्ट, तो नॉर्थ में है, ठीक है। अच्छा अब कह रहे क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या कह रहे हैं, नेम द स्टेट्स दैट यू विल क्रॉस टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो देखो दिल्ली से जम्मू कश्मीर आपको जाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे पहले हरियाणा को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर पंजाब को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करना पड़ेगा, देन जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे। आप यहाँ फिगर में देखिए थोड़ा अच्छे से, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो ये रहा दिल्ली, दिल्ली के बाद क्या आ रहा है, पहले हरियाणा आ रहा है, ठीक है, फिर क्या रहा है बच्चों, पंजाब आ रहा है, फिर क्या रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है। तो ये सारे स्टेट्स के जो है आपको यहाँ पे नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, हरियाणा, HARY है ना, NA हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, YANA हरियाणा होता है, उसके बाद पंजाब, PUNJAB पंजाब आ जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, देन उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। तो आपको हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा, पंजाब क्रॉस करना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, टू गो फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात इन विच डायरेक्शन विल यू ट्रैवल, अगर आपको क्या करना है, वेस्ट बंगाल से गुजरात जाना है। तो देखो वेस्ट बंगाल कहां दिख रहा है आपको, ये रहा वेस्ट बंगाल, और गुजरात आपको कहां दिख रहा है, गुजरात जो है इसका ये देखो बच्चों गुजरात। तो हमें पता है यहां देखो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, देखो वेस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, नेम द स्टेट टू वेस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का वेस्ट में क्या है, तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या है, तमिलनाडु का वेस्ट में, राइट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ये क्या है, केरला है बच्चों, क्या है, केरला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरला, KERALA
ALA है ना, केरला। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और ये जो मैप के बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे थे आपको वर्कशीट्स में, आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मैप स्टडी, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।